और मेघालय में भी नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बीजेपी का हिस्सा है। पूरे देश ने देखा, टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से AK-47 और बंदूकें हाथ में लेकर मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर तालिबान जैसे काले झंडे लेकर मुंह पर काले कपड़े पहनकर उग्रवादी बंदूकें दिखाते हुए शिलोंग राजधानी के एक कोने से दूसरे कोने तक गए, पर किसी ने उन्हें रोका नहीं। मेघालय के मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके गए। मेघालय में स्वतंत्रता दिवस के ऐन मौके पर 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा। शिलोंग में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इसके बावजूद भी मोदी सरकार चुप है। और कल क्या हुआ, 17 अगस्त 2021 को जब मेघालय के गवर्नर, जो भारत सरकार की अथॉरिटी के सबसे बड़े चिन्ह हैं, जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ियों पर भी, उनके कारकेड पर भी, कॉन्वॉय पर भी पत्थर बरसाए गए। पर मोदी सरकार कहां है? देश के गृहमंत्री कहां गुम है? क्या कारण है कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह एक शब्द भी कहने से इनकार कर रहे हैं? क्या यह संवैधानिक ढांचे का क्षीण भीण हो जाना नहीं है, टूट जाना नहीं है? क्या देश के अंदर ऐसे हालात बन जाएंगे कि गवर्नर सड़क पर सफर नहीं कर सकते, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ेगा और मिलिटेंट्स जो हैं वो प्रदेश की राजधानी में AK-47 दिखाते हुए, लहराते हुए एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे? और ये छदम राष्ट्रवादियों की सरकार है। टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर सच्चाई यही। तीसरा पहलू, देश के गृहमंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं जब दो प्रांत एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे बने बैठे हैं? भारत सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से क्यों पीछा छुड़वा लिया? क्या आंतरिक सुरक्षा अमित शाह जी की जिम्मेवारी है या कोई और आकर आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी लेगा और जवाबदेही देगा? दूसरा सवाल, दूसरा पहलू, एक और उत्तर पूर्व के प्रांत जो मेघालय में जो हुआ और जो हो रहा है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और मेघालय में भी नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बीजेपी का हिस्सा है। पूरे देश ने देखा, टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से AK-47 और बंदूकें हाथ में लेकर मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर तालिबान जैसे काले झंडे लेकर, मुंह पर काले कपड़े पहनकर उग्रवादी बंदूकें दिखाते हुए शिलोंग राजधानी के एक कोने से दूसरे कोने तक गए, पर किसी ने उन्हें रोका नहीं। मेघालय के मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके गए। मेघालय में स्वतंत्रता दिवस के ऐन मौके पर 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा। शिलोंग में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इसके बावजूद भी मोदी सरकार चुप है। और कल क्या हुआ, 17 अगस्त 2021 को जब मेघालय के गवर्नर, जो भारत सरकार की अथॉरिटी के सबसे बड़े चिन्ह हैं, जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ियों पर भी, उनके कारकेड पर भी, कॉन्वॉय पर भी पत्थर बरसाए गए। पर मोदी सरकार कहां है?
देश के गृहमंत्री कहां गुम है? क्या कारण है कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह एक शब्द भी कहने से इनकार कर रहे हैं? क्या यह संवैधानिक ढांचे का क्षीण भीण हो जाना नहीं है, टूट जाना नहीं है? क्या देश के अंदर ऐसे हालात बन जाएंगे कि गवर्नर सड़क पर सफर नहीं कर सकते, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ेगा और मिलिटेंट्स जो हैं वो प्रदेश की राजधानी में AK-47 दिखाते हुए लहराते हुए एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे और ये छदम राष्ट्रवादियों की सरकार है? टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर सच्चाई यही है।